जय श्री राम राय खानदान ब्लॉग को आपण मानक स्वागत। मुझे बनवा पाई जा पोटल कुरमा। चलते भिडटे के स्टार्ट करवा। मुझे काजू नहीं जा गोटे पियाज गोटे टमाटो आउ कि रसुण गोटे चामच जीरा सुखिला लंका चारु मगज डालचीनी आउ कि धनिया पत्र आउ कि पोटल ये सब सामग्री मुझे बनवाप जा पोटल कुरमा। आपण माने मार्केट रु कि बाड़ी बगे जोठु पटोला आनु तांकु भल भाव रे आगो प्रथमे थरे बा दुई थ धोई देबे तापरे काटी सला परे आउ थरे भल भाव रे ताकु धोई देबे काहे कि ना ता उपरे टे टे माटी बाले थाए तो से पाटी की पूरा बाली बाले ता ताकु भल भाव रे आपण माने धोइबे। देखंतु मु गोटी गोटी करिकि सब पटोल को भल भाव रे धोई देइछि। मु गोटे बावल नहीं जाए सुखिला लंका दुईटा नहीं जाए कि चारु मगज नहीं जाए आउ कि काजू आ कि जीरा आउ अल्प टिके पानी दे कि अध घंटे बतुरे दबा कहीं बाटला बेल से भल चिकन होता है। अब मु बेंडिंग जार रे रसुण टमाटो पियाज अल्प टिके पानी दे कि कभर करके ग्राइंडिंग करदेवि। मुझे ग्राइंडिंग कर दे करदे देखु मोर ए मसला एवं रेडीगला एवं मुझे सैड करदे मु बतुरे रखी मसला को भल भाव बाटिदेवी। आपण मान भाविले ग्राइंडर में बाटि पारे कि ग्राइंडर में बाटिले तो चिके चिकन न आसी थाए से लगे मुझे शील बाटी आपण मान को जोटा भल लगे आपण मैंने से करेंगे कहीं शील बाटिले स्वाद बहुत भल लगी था। ओडिया घर समस्त घर अधिकांश शील थाए देखु एवं मुझे भल भाव पूरा चिकन कर मसला को आपण माने धीरे धीरे भल भाव बाटे। एवं मु गोटे छोट बाउल को एवं मो मसला को एवं बाहर कर देछि। एवं आमर रेडी हो गला मसला ताकु एवं मो मसला को साइड कर दे कि एवं गोटे कड़े बसैछि से तेल एवं दे हाफ लिटर दे देखिए तेल एवं गरम हो देखु एवं गोटी गोटी करी अल्प पोटल को पकईदे कहीं आपण मैने सब जगह पकेबे अल्प अल्प करके भाजले तो भल भाव से छाणी होता है। देखु मु अल्प अल्प करी दुई तीन मिनिट टे थे ऊपर तल करवा गैस हाई रे करे। देखु एवं मु दस मिनिट भितर मोर ए पोटल टी आसला मुझे बेसी पोड़पोड़िया हाँपाई चाहे तो मुझे काढ़ीदेवी। देखु एर एम प्रोसेस मुझे बड़का पोटल को से भाई भाजीदेवी एमती धोबा तीन मिनिट थे भल भाव गोल। देखु एवं आम दस मिनिट पर पोटल एवं छाणी हो आसला छाणीदेवी। आपण मैने कड़ई कड़े रखे कहीं तेल सी बेस आसी थाए ना तो सी रखिले तो सी अल्प तेल आसी ये था। एबे गोटे पैन बसे कि मुझे एबे तीन चामच एबे मुझे दे रिफाइन तेल आउ दे एबे लंका गुंड तापर एबे बाटी रखी मसला भी मुझे लुण दे गोटे चामच
ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଇଛି 1 ଚାମଚ। ତାକୁ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇବେ। ଆପଣମାନେ ଲୁଣ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସାରେ କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ। 1 ଚାମଚ ମିଟ୍ ପାଉଡ଼ର ଦେଇଦେଇଛି, ଆଉ 1 ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ଦେଇଦେଇଛି। ତାକୁ ଏବେ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ଟିକେ ମସଲା ଏବେ ଟିକେ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ଶିଳରେ ବାଟିକି ରଖିଥିବା ମସଲା ଏବେ ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ତାକୁ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇବି, କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଯେଉଁ ଦେଇଥିବେ ତାକୁ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଶିଳରେ ଯେଉଁ ବାଟି ରଖିଛି ତାକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଦେଇଦେବେ, କାହିଁକି ନା ବେଶୀ ଗୋଳେଇଲେ ତ ଏଇଟା ବେଶୀ ଗୋଳା ହୁଏନି, ତ ଅଳ୍ପ ଆପଣମାନେ ଗୋଳେଇକି ଇଏ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ମସଲା ଏବେ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ଛାଣିକି ରଖିଥିବା ପୋଟଳକୁ ଏବେ ଦେଇଦେବି। ତାକୁ ଏବେ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣମାନେ ତ ଗ୍ୟାସ୍ ସିମ୍ କରିକି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଭାବିଲେ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ସିଝେଇବା ପାଇଁ ବି ଦେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ପୋଟଳ କୋରମା ହେଇ ଆସିଛି। ଏବେ ମୁଁ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇ ଦେଇଛି, ତାକୁ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଏବେ ଗୋଟେ ବାୱଲକୁ କାଢି ଦେଇଛି। ଆମର ଏବେ ରେଡି ହେଇଗଲା ପୋଟଳ କୁର୍ମା। ଆଜିର ରେସିପିଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଏଇଭଳିଆ ରେସିପି ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଓ ରିଲେଟିଭ୍ଙ୍କ ସହ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେୟାର କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୋର ରେଡି ହେଇଗଲା ପୋଟଳ କୁର୍ମା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି, ମୁଁ କହିଲେ ହେବନି, ଆପଣ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।